इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जियो का वाईफाई डोंगल है, तो इस जियो का वाईफाई से मोबाइल में इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हो और इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद उसमें इंटरनेट कैसे चला सकते हो, तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे मेरा न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए कि हमारा एंड्रॉइड मोबाइल है, तो इस एंड्रॉइड मोबाइल से हमें जो जियो का वाईफाई है तो उससे हमें इंटरनेट कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले इस हमारा जो जियो का वाईफाई है डोंगल, तो उसमें सबसे पहले आपको जो जियो का सिम है वही उसमें लगाना है। तो चलिए मैं जियो का सिम है वही हमें लगा देता हूँ। लगाने के बाद उसमें जो बैटरी आता है वही आपको लगा देना है। तो इस हमारा जो डोंगल है जियो का, तो उसमें आपको जो जियो का सिम है वही आपको इस तरह लगा देना है। तो आप देख लीजिए कि मैं जियो का सिम है वही लगा देता हूँ। तो आपको इस तरह लगा देना है और लगाने के बाद जो उसमें जो बैटरी आता है वही आपको लगा देना है। तो मैंने जियो का सिम है वही मैंने वाईफाई में जो जियो का डोंगल है उसमें मैंने लगा दिया है और जो बैटरी आता है वही आपको लगा देना है। तो इस तरह आपको जो मोबाइल में लगाते हैं तो आपको इस तरह लगा देना है और लगाने के बाद आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल है तो उसमें आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं सभी प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि आपको उसमें इंटरनेट कैसे कनेक्ट करना है। और बैटरी लगाने के बाद जो पावर का बटन आता है वही आपको प्रेस करना है। तो इस हमारा जियो का डोंगल है उसमें जो पावर का बटन आता है वही मैंने प्रेस किया, तो आप देख लीजिए कि हमारा ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद आपको जो एंड्रॉइड मोबाइल है तो उसमें आपको वाईफाई ऑन करना है। तो अभी देख लीजिए कि इस हमारा जियो का वाईफाई डोंगल है, तो उसमें मैंने जो बैटरी और जो जियो का सिम है वही मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद आप देख लीजिए कि जियो का डोंगल है वही हमारा सही तरीके से ऑन हो गए। और ऑन होने के बाद चले इस हमारा जो एंड्रॉइड मोबाइल है, तो इस एंड्रॉइड मोबाइल में सबसे पहले मैं वाईफाई को ऑन कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि मैंने एयरप्लेन मोड पे ऑफ कर दिया है। तो चलिए मैं वाईफाई को ऑन कर देता हूँ मोबाइल में। और वाईफाई ऑन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करता हूँ मोबाइल में। और मोबाइल में एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एक WPS का जो सेटिंग है तो उसमें आपको कनेक्ट करना है। लेकिन सबसे पहले आपको जियो का जो डोंगल है वाईफाई है तो उसमें एक आपको साइड में बटन आता है WPS का, तो वही आपको प्रेस करना है। तो चलिए मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि हमारा जियो का वाईफाई डोंगल है तो उसमें जो WPS का बटन है वही आपको प्रेस करना है। तो चलिए मैं WPS का जो बटन है वही प्रेस कर देता हूँ। और प्रेस करने के बाद हमारा जो एंड्रॉइड मोबाइल है, तो एंड्रॉइड मोबाइल में आपको WPS का जो कनेक्ट के जो बटन है तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैंने जियो का वाईफाई डोंगल है उसमें मैंने प्रेस कर दिया। और आपको जो एंड्रॉइड मोबाइल होता है तो एंड्रॉइड मोबाइल में WPS का बटन कनेक्ट है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो अभी देख लीजिए कि हमारा मोबाइल है, तो इस मोबाइल में हमारा वाईफाई कनेक्ट हो रहा है जियो से। तो अभी देख लीजिए हमारा कनेक्ट हो गया है। तो इस तरह आपको कनेक्ट करना है जियो वाईफाई डोंगल है, तो इससे आपको इस तरह मोबाइल कनेक्ट करना है WPS बटन पे क्लिक करके। और हमारा कनेक्ट हो गया है। और कनेक्ट होने के बाद चलो मैं यूट्यूब को ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा यूट्यूब ओपन उसमें मोबाइल में हो रहा है और हमारा सही से इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। तो इस तरह आपको मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा यूट्यूब है वही ओपन हो गए। और मैंने मोबाइल में एयरप्लेन मोड भी ऑफ करके रखा है और ओनली फॉर मैंने वाईफाई को ऑन रखा है। तो अभी देख लीजिए कि हमारा सही से जो यूट्यूब है तो हमारा मोबाइल में चल रहा है। तो इस तरह आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है जियो का वाईफाई से डोंगल से, तो इस तरह आपको आसान तरीके कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा सही से इंटरनेट चल रहा है, तो इस तरह आपको कनेक्ट कर सकते हो। तो उसमें जो मैंने एयरप्लेन मोड पे ऑफ करके रखा है मोबाइल में और मैंने वाईफाई ऑन रखा है, तो इस हमारा जो जियो का डोंगल वाईफाई है इससे हमारा मोबाइल कनेक्ट हो गए। तो गाइस जो सभी प्रोसेस था तो इस प्रोसेस मैंने आपको कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे न्यू है
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।